प्रश्न संख्या 562 श्री राकेश सिंह। क्वेश्चन नंबर 562। ए टू डी स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने सरकार का जवाब देखा है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। सैकड़ों वर्षों से कृषि सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का जरिया यहाँ पर रही है डॉक्टर। लेकिन पिछले कुछ समय से जो परिस्थितियाँ बनी हैं कृषि क्षेत्र में, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा है कि देश की 2/3 आबादी यानी 60 करोड़ से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए कृषि की हालत में सुधार के बगैर देश की हालत में सुधार नहीं हो सकता। महोदया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट अभी आई है उसके अनुसार देश में 45% से अधिक किसान, अगर उनको विकल्प उपलब्ध हो जाए तो वो खेती छोड़ के दूसरे व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, जो आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये भी कहा है कि हमारे देश में औद्योगिक विकास को जिस तरह से हम प्राथमिकता देते हैं लेकिन उसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत कम हैं, जबकि कृषि जो है ये हमेशा से रोजगार प्रमुख माना जाता रहा है, और इसलिए हमारे देश में कृषि छोड़ना कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन इस पर सरकार कितनी गंभीर है महोदया, स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, अभी मैं माननीय मंत्री जी का उत्तर भी पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा है कि स्कूल शिक्षा में वोकेशनल क्लासेस जो आप चला रहे हैं कृषि के लिए, उसमें कृषि के साथ साथ बिजनेस एंड कॉमर्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों के लिए मिलाकर वर्ष 2010 और 11 में मात्र 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है महोदया कि रिपोर्ट के अनुसार उसमें से केवल 4,98,00,000 रुपए ही खर्च किए गए। ये उन स्थितियों के बाद है कि जब इस देश में हमारे युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी शिक्षित युवा कृषक नहीं बनना चाहता क्योंकि उसको वो सम्मानजनक पेशा नहीं मानता। इसका खामियाजा भी आज हम भुगत रहे हैं, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरा जो प्रश्न है महोदया, जिस तरह से युवाओं में खेती के प्रति रुझान घटता जा रहा है उसको देखते हुए मेरा प्रश्न ये है कि युवाओं में कृषि के प्रति रुझान बढ़े इस हेतु सरकार शिक्षा में क्या कोई परिवर्तन करके इस तरह की पद्धति विकसित करेगी कि जिससे युवा उसकी ओर आकर्षित हो, और क्या उसके लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान करेगी? Madam, this is an issue that has exercised our minds as well, because I think that we need to look at school curriculum and ensure that the school curriculum is connected with employment opportunities. What has been happening in the past, and I can tell you about the CBSE. CBSE has offered agriculture as an elective course, and only 27 odd schools have taken it on. As far as horticulture, dairy farming are concerned, which are vocational courses, again, most of these courses are in the Northeast. But the Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education developed a vocational curriculum that has been adopted by most of the states. And the capacity that is created through that curriculum in the various states in this country is about 10 lakh seats. But even there, only 4.8% of the children actually pass out taking those vocational courses in the states. So the balance actually go to other courses. And even of the 4.8%, only 28% get employment opportunities. Obviously, therefore, there is a mismatch between what is taught in school and the opportunities for employment available in the agricultural sector. So now we are launching the National Vocational Qualification Framework. Madam, in this I'm not talking about the ITIs, because the ITIs run several technical programs which are very good. But what we are now doing is revamping the whole vocational education framework, launching the National Vocational Qualification Framework. In that process, the National Development Skill Corporation will have sector skill councils, and the sector skill council will work with the academic community to develop hundreds of courses in relation to agriculture itself. And these then will be offered throughout the country, and we are going to introduce this hopefully in the next academic session.
and the National Vocational Qualification Framework will be launched very soon. That is the policy of this government, and I respect the sentiments of the distinguished member that we need to create those opportunities in the agricultural sector. दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए. धन्यवाद महोदया. महोदया, खेती इस देश में कोई नई बात नहीं है. जब से मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ, तब से इस देश में कृषि एक विज्ञान के रूप में प्रारंभ हो गई थी, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक गांव में उसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया था. यहां तक कि फसलें, साग सब्जी और कम पानी में पकने वाली फसलें भी, और कई बीमारियों को दूर करने वाली फसलों को भी हमारे पूर्वजों ने विकसित किया था. महोदया, ब्रिटिश काल में 1905 में अंग्रेज सरकार ने अल्बर्ट हॉवर्ड नाम के कृषि वैज्ञानिक को यहाँ रासायनिक खेती प्रारंभ करने के लिए भेजा था. लेकिन जब वो यहाँ पर आया और उसने यहाँ की खेती की पद्धति को देखा महोदया, तो पूरे 29 साल तक वो इस भारत देश में रहा और भारतीय खेती का उसने अध्ययन किया, और इंदौर में उन्हीं के द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री में जैविक खेती के अनेकों प्रयोग उन्होंने वहाँ पर किए और जैविक खाद बनाने की विधियाँ भी विकसित की. लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है महोदया कि आज उसी भूमि पर इस देश के कृषि महाविद्यालयों के जो वैज्ञानिक हैं वो किसानों को अंग्रेजी खेती सिखा रहे हैं. महोदया, जब देश में राष्ट्रीय सरकार बनी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें उद्योग मंत्री थे, तो आपके बिहार में अब वो जो स्थान है उसका नाम है सिंदरी, जो अब झारखंड में चला गया, वहाँ कोल आधारित जैविक खाद बनाने का एक कारखाना भी उन्होंने स्थापित किया था. लेकिन उनके हटने के साथ ही वो कारखाना बंद हो गया. महोदया, ये गलत नीतियों का परिणाम है और रासायनिक खाद को बढ़ावा देने की सोच है. मेरा प्रश्न ये है कि भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान में आधुनिकता के जो मापदंड हैं, क्या वो मॉन्सेटो, सिजेंटा और वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियां तय करेंगी, या फिर हम भारत की मिट्टी, किसानों की भाषा, हमारी जलवायु और हमारी आवश्यकता के अनुसार जैविक खेती और व्यवहारिक कृषि पद्धति को कृषि शिक्षा का आधार बनाएंगे, ताकि इस देश के अन्नदाता को हम आत्महत्या की मजबूरी से बाहर निकाल सकें. This is not strictly related, because the question is related to what courses we are offering in educational institutions. Yes, but please confine your answer to what is related to the original question. That's right. As far as we are concerned, we are taking the inputs of all sectors through the sector skill councils to ensure that agricultural courses are offered as a vocational course in schools throughout the country, so that the benefits can actually accrue to the farming community in this country. As far as scientists are concerned, they have their technologies. Indian scientists are working on those technologies, and only those technologies will take Indian agriculture forward. Shri Bhakta Charan Das. Shri Bhakta Charan Das.